तीन दिवसीय मध्य प्रदेश ऑटो एक्सपो 2022 का समापन शनिवार को हुआ। प्रदेश के उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव ने ऑटो शो में आए सभी उद्योगपतियों व निवेशकों का आभार माना। उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश का ऑटो शो देश का मेगा शो बनेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में पहले ऑटो एक्सपो का आयोजन किया। तीन दिवसीय ऑटो शो का समापन शनिवार को उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह, विभाग के एमडी जॉन किंग्सले और एमपीआईडीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन सक्सेना की उपस्थिति में हुआ। समापन अवसर पर मंत्री राजवर्धन सिंह ने ऑटो शो में आई सभी कंपनियों का आभार माना, साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि आने वाले वर्षों में यह शो नई ऊंचाइयां तय करेगा। मंत्री के अनुसार इस ऑटो एक्सपो से हमने मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश के लिए जमीन तैयार कर ली है। शांति है, हमारे यहाँ पे अनुकूल वातावरण है, हम वाटर सरप्लस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े बीच में इश्यूज आए लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास सफिशेंट है और व्यवस्था उसकी और कर रहे हैं। हमारे पास जो लैंड बैंक है वो शायद देश में सबसे बेहतर है, सबसे वाजिब दामों पर ज़मीन हमारे को यहाँ मिल रही है और हमारी पॉलिसीज़ भी इंडस्ट्री फ्रेंडली है। स्पेसिफिक पॉलिसी हम बना रहे हैं, जैसे ईवी की पॉलिसी हम लॉन्च कर रहे हैं, इंडस्ट्री पॉलिसी हम लॉन्च कर रहे हैं, एथेनॉल की पॉलिसी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करी है। तो ये सब चीज़ें जब एक 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 रूप में जुड़ती है और अब हम उनको देखते हैं तो इंडस्ट्री के इन्वेस्टर्स को लगता है कि अरे मध्य प्रदेश में ये सब है, हमने नहीं सोचा था या हमें नहीं पता था। इस प्रकार के शो जब होते हैं तो ये जागरूकता फैलती है, संदेश जाता है। पुणे से आई बैटरी निर्माता कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर यशोधन गोखले के अनुसार मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपार संभावना है, प्रदेश सरकार की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। ऐसे में आने वाले वर्षों में कई बड़े ऑटोमोबाइल के उद्योग प्रदेश की धरती पर देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, जैसे सर ने बोला कि बहुत ही अच्छी तरीके से कम टाइम में ये ऑर्गेनाइज किया था और आपने कल देखा चीफ मिनिस्टर जी ने जो भाषण किया, ये भाषण नहीं था, एक आगे की सोच थी और उस सोच से आपने देखा कि 12-15 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए इस कम समय में। ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं तो आगे जाके और भी ज़्यादा करेंगे और हमारी जैसी इंडस्ट्री जो आगे बढ़ रही है उनको भी बहुत फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग चालू करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, बाकी इश्यूज़ नहीं है जो एक नई कंपनी को करने में लगते हैं कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें रहती है उसमें ही टाइम चला जाता है, काम बाजू में रहते हैं तो वो संभावना कम है। और ये नई सोच नए विचार के साथ सब इंडस्ट्री वेट करेगी आगे के ऑटो एक्सपो का कि जल्द से जल्द नेक्स्ट ईयर हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करें, क्योंकि नई जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्री है हम लोगों को ग्रीन व्हीकल्स में, फ्यूल सेल में काम करना है। जो पोल्यूशन की समस्या है उसका एक तरीका लिथियम आयन बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, अभी लोग डर रहे हैं। एमपीआईडीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन सक्सेना ने बताया कि हर लिहाज से यह ऑटो शो सफल रहा है। यहाँ स्टॉल में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने वालों को भी बिजनेस मिला है और प्रदेश को भी आने वाले वर्षों में बड़ा निवेश मिलेगा। एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हुआ कि एक इस तरह का इवेंट होता है तो गवर्नमेंट टू बिजनेस बहुत इंट्रैक्शन होता है, बिजनेस टू बिजनेस इंट्रैक्शन होता है, बिजनेस टू सिटीजन इंट्रैक्शन होता है। अभी कल तक के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 40,000 के आसपास का फुटफॉल्स हमको मिला है, तो बहुत सारे लोग आए, बच्चे, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स आए, कुछ डेलीगेट्स आए जिन्होंने अलग अलग स्टॉल्स पे जाके अपने इंक्वायरीज़ की। बहुत सारे जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं था उनके बारे में लोगों को एक ही रूफ के नीचे पता चला और बहुत सारी मैंने कल पता किया तो बुकिंग्स भी हुई हैं, जैसे इलेक्ट्रिक साइकिल्स हुआ, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हुआ, कार्स हुआ, इनकी बहुत सारी बुकिंग्स भी, हमारा बुकिंग का यहाँ पर एंटिसिपेटेड नहीं था लेकिन फिर भी बुकिंग्स हुई, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक हमको आउटपुट मिला। तो ये कहा जा सकता है कि एक इकोसिस्टम बना है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है और लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे जगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ये घोषणा की है कि अब ये ऑटो एक्सपो एक एनुअल इवेंट के रूप में मनाया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस इवेंट का, क्योंकि एक एनुअल इवेंट बनेगा तो उसको एक ब्रांड मिलेगी। अब अगले बार और बड़े जो ब्रांड्स हैं जो इस बार मिस हो गए थे, क्योंकि हमारे पास समय भी रहेगा और उनको भी ये समझ आया कि एक बहुत अच्छे स्तर का इवेंट है तो उनका पार्टिसिपेशन भी आएगा।
समापन अवसर पर ऑटो शो में सम्मिलित हुई कंपनियों के पदाधिकारी और CII सहित अन्य संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।